नमस्कार मित्रों, जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय सन्यासी बाबा की। आप जो हमारे बैकग्राउंड के पीछे देख रहे हैं, बागेश्वर धाम सरकार जी हाँ, वनवास के बीच में कलदा में कथा चल रही राम कथा बागेश्वर धाम सरकार की 3 दिन की 15 तारीख को दिव्य दरबार रहा था। वहाँ पर वनवासियों को सबसे आगे बैठने का स्थान दिया गया और साधु संतों का सम्मान करने का आगे स्थान दिया गया। और आपने हमारे पिंडाल का नज़ारा देखा। दरअसल मैं वीडियो वहाँ की नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि वहाँ की मैं वीडियो बना लाया हूँ, बना ली है और डाल इसलिए न रहा हूँ क्योंकि मेरे चैनल का जो ऊपर एरो जा रहा था और व्यूज जो हैं डाउन हो गए हैं, इसलिए मैं अपने चैनल पर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। बाकी आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहेंगी वहाँ की कलदा की, और आप हमारे चैनल को उठा दोगे तो जल्दी आपको वीडियो मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। बागेश्वर धाम सरकार एक वो दिव्य दरबार है जो कि आप देख सकते हैं वनवासियों के बीचों ही, हमारे सरकार पूज्य गुरुदेव वनवासियों के बीचों ही जाकर ही हमारे बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए वनवासियों की तरह ही मिलजुल गए हैं। और भाई बहन ने वहाँ पर नृत्य करा, बागेश्वर धाम सरकार ने संस्कृत का उनका आनंद लिया और सभी की समस्या सुनी और सभी का समस्याओं का निदान किया। बागेश्वर धाम सरकार ने सभी की समस्याओं का समाधान किया और सभी को परेशानियों से मुक्त करने के लिए हवन भी करा। आज बागेश्वर धाम सरकार ने, आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो पर जाके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें और भाई को सपोर्ट करें। माई फर्स्ट ब्लॉग्स बागेश्वर धाम एक यही आपका यूट्यूब चैनल है जो आपके लिए आप जानते हो और पहचानते हो भाई को और बहुत प्यार सपोर्ट देते हो। जैसे मैं कल दा में पहुँचा बागेश्वर धाम सरकार के पंडाल में, तो आप यकीन मानना वहाँ के लोग सभी प्रेम भाव से मेरे से प्रेम भाव से बोलने लगे। मेरे को बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, आप देख नहीं पाते पूरी, तो इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनानी पड़ी। जय श्री राम, अगली वीडियो मिलता हूँ।